वेलकम है गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेक टॉक पे। आज हम बात करने वाले हैं बोल्ट की दो वॉचेस की। एक तो सेल पे जा चुकी है ऑलरेडी रिच, और एक तरफ है बोल्ट की ड्राइव प्लस। तो दोनों का एक हम कंपैरिजन करेंगे। वैसे बहुत ही जल्दी आपको ड्रिफ्ट के साथ भी कंपैरिजन मिलने वाला है, और आप स्टिक रहिएगा चैनल पे। वैसे आप चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेक टॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। कूपन्स की बात मैं करूँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कूपन मिल जाएंगे कुछ ब्रांड्स के, जैसे कि क्रॉसबीट्स का चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके टेक्पो कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, आपको 250 से 300 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। बोल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट का तो मेरे पास कूपन नहीं है, बट फिलहाल नॉइस का अगर आप जाके चेक करते हो तो नॉइस में आपको AFFGN8 करके अगर आप डालते हो तो 8% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा नॉइस की वेबसाइट की भी, ठीक है। और फायरबोल्ट का बोल्ट 10 आपको मिल जाएगा अप टू 150 रुपीज़ का डिस्काउंट, ठीक है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो ऐसा कंपैरिजन को हम स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पे, डिस्प्ले की शार्पनेस यहाँ पे दोनों में सिमिलर मिलती है। 240 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है यहाँ पे, बट अगेन ड्राइव प्लस जो आने वाली है अमेजोन पे, इसका जो डिस्प्ले साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है। TFT डिस्प्ले मिलती है यहाँ पे, LCD TFT नहीं है, TFT है सिर्फ, और IPS पैनल का भी यूज़ नहीं किया गया। तो ये मेरे को फ्लॉ लगा, कंपनी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना चाहिए डिस्प्ले पे कहीं ना कहीं। कॉस्मिक की या मैं बोल्ट ड्रिफ्ट की बात करूँ तो डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को बहुत पसंद आई थी एज़ कम्पेयर टू दीज। आगे बात आती है यहाँ पे रेस्ट वेक मिल जाता है दोनों में ही, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड तक का आप डिस्प्ले वेक रख सकते हो, दैट्स इट। 2.5D कर्व ग्लास मिल जाता है, स्क्रैच आ सकती है आपकी वॉच पे, ये बताया गया कंपनी ने। डिस्क्रिप्शन पेज पे मैंने पढ़ा है कि टेम्पर्ड ग्लास आपको लगाना पड़ेगा नहीं तो स्क्रैच आ जाएंगी, ठीक है। पर पिक्सल डेंसिटी की बात में करो तो, मतलब शार्पनेस की बात में करो तो यहाँ पे दोनों में ही सिमिलर मिल जाती है, और उसी के साथ साथ पीक ब्राइटनेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो सनलाइट विजिबिलिटी यहाँ पे सिमिलर ही हो जाती है। आगे बात आती है थिकनेस की, तो थिकनेस यहाँ पे बताना जरूरी है। यहाँ पे रेड में जहाँ पे आपको 11.5 mm की थिकनेस मिलती है, अच्छी खासी स्लिम है वॉच, और ड्राई प्लस में आपको 11.8 mm की थिकनेस मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोनों ही वॉचेस में थोड़ी सी बड़ी है ड्राई प्लस, और जो कि आपके लार्ज रिस्ट के लिए बेटर है, थिन रिस्ट में नहीं चल पाएगी। और मीडियम रिस्ट पे कन्फर्म नहीं कर सकता, बट चल सकती है, ठीक है। मीडियम रिस्ट अगर आपके 5.5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक के हैं रिस्ट तो आपकी चल जाएगी, रिड्ज आपकी चल जाएगी वैसे लास्ट टू मीडियम रिस्ट पे आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थिन रिस्ट पे मैं कह सकता हूँ कि रिड्ज चल सकती है, क्योंकि स्लिम वॉच है ना तो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो थिन रिस्ट पे चल जाएगी। बट स्किनी रिस्ट वाले कंपैरिजन को ही ना देखें, स्किनी रिस्ट वालों के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाला हूँ, परेशान मत हो। और मैं थोड़ी वॉचेज ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास थोड़े लाइनअप में बहुत कम वॉचेज हैं जो मतलब स्किनी रिस्ट पे सूट करेंगी। वॉच फेस की बात करते हैं, क्लाउड बेस वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, अपने पिक को ऐसा वॉच फेस लगा सकते हो, और 100+ क्लाउड बेस वॉच फेस मिल जाते हैं। कितने मिलते हैं इन द वॉच इटसेल्फ, आपको 5 से 6 मिल जाएंगे। लास्ट वॉच फेस को चेंज कर सकते हो अपने पिक में। आगे बात आती है यहाँ पे फिटनेस मोड्स की, तो यहाँ पे रिड्ज या ड्राइव प्लस दोनों में ही 100+ स्पोर्ट्स फोम मिल जाते हैं। IP68 रेटेड है ड्राइव प्लस, जो ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि रिड्ज में आपको IP67 मिलता है, तो बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है ड्राइव प्लस का। 1.5 मीटर अप टू 30 मीटर तक तो ओपन स्विमिंग का ऑप्शन है, रिड्ज में आपका ऐसा सच कोई ऑप्शन नहीं है, बट 100 स्पोर्ट्स मोड तो मिल जाते हैं। बट अगेन गाइस यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करता कि मतलब हैवी रेनिंग में लेके जाओ यहाँ पे रिड्ज को, ड्राइव प्लस हैवी रेनिंग में चल जाएगी। बट ये कि मतलब दोनों ही वॉचेस हैवी रेनिंग में चल सकती हैं, बट आपको स्पीकर के वेंट की साइड से बचा के रखना, पानी ना जाए अंदर, दैट्स इट, ठीक है। और वैसे मैंने एक टेस्ट कर रखा है हैवी रेनिंग वाला, और रियलमी की वॉच जो 3 थी उसका मैंने टेस्ट किया था, IP68 रेटेड है वो भी, तो आराम से चल गई थी। बट IP67 का मैंने टेस्ट नहीं किया एक्चुअली। और एक्यूरेसी की बात मैं करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट वॉचेस नहीं है दोनों में से कोई सी भी, और 75-80% तक की एक्यूरेसी देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स मोड की एक्यूरेसी अलग होती है, और आपके हेल्थ मॉनिटरिंग की फीचर जो होते हैं उसकी एक्यूरेसी अलग होती है, तो दोनों में ही आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। यहाँ पे जितनी भी बजट रेंज में वॉचेस होती हैं तो उसकी जो स्पोर्ट्स मोड की एक्यूरेसी होती है, मतलब रनिंग वॉकिंग साइकिलिंग, वो उतनी एक्यूरेट नहीं होती है, बट ठीक होती है, मतलब क्लोज टू एक्यूरेट कह सकते हो। मत जैसे कि क्लोज टू एक्यूरेट तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो गई, जैसे कि आप 80 स्टेप्स चलोगे तो आपका 60 तक में बताएगी, 60-65 तक। और हार्ट रेट SpO2 तो मैं भरोसा नहीं करता SpO2 BP मॉनिटर पे, बट आपका हार्ट रेट यहाँ पे मैक्सिमम वॉचेस 90% तक सही बता देती हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर, ये सब बेसिक सेंसर देखने को मिल जाता है दोनों में ही। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स में क्या क्या मिलता है आपको, स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, कॉलिंग फीचर मिल जाता है, कॉल आईडी कॉल कट म्यूट कर सकते हो, बट आप मोड को चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है आपको।
जैसे कि रिंग प्लस वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ओनली या म्यूट का ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं मिलते हैं, ये थोड़ा सा फ्लॉ है इसके अंदर। और एक ऑडियो प्रोफाइल भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसे कि ऑडियो प्रोफाइल ऑफ कर दोगे तो ऑडियो भी आपकी ऑफ हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा फ्लॉ है। बट ये वाला जो ऑप्शन था ना वो ड्रिफ्ट में दिया गया था। उसी के साथ साथ फुल टच पैनल मिलता है, स्मूथ है, स्मूथ नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं कहूँगा, बट ठीक है यहाँ पे, क्योंकि 60 हर्ट्ज का थोड़ा आपको स्मूथ यूआई मिलता है। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटडाउन टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। रेड्स में आपको 22 ब्लूटूथ, मतलब ड्यूल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन मिलता है, ऑब्वियसली बात है। ड्राइव प्लस में भी ड्यूल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन मिलता है, बट ड्राइव प्लस में ब्लूटूथ 5.1 का यूज़ किया जाएगा। फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट दोनों में मिल जाता है। बट यहाँ पे ड्राइव प्लस में प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको गेम्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ साथ वाटर रिमाइंडर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में, और सेडेंटरी रिमाइंडर मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड्रॉइड या आईओएस से आप पे कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेस सिमिलर हैं। सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में 2x2 यूआई मिल जाता है, लिस्ट वाला और आई वॉच वाला टाइप का। सिंगल बटन कंट्रोल वैसे दोनों मिल जाता है, टेक्सचर तो दिया गया है मतलब क्राउन की का, बट अगेन वो क्राउन की रोटेटेबल नहीं है, सिर्फ वो पावर ऑन ऑफ करने के लिए है, और गेस्चर के साथ तो आप यूज़ कर ही सकते हो। बैटरी लाइफ की बात मैं करूँ तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी मतलब अप डाउन है। ड्राई प्लस में 20 mAh है, 20 mAh एक्स्ट्रा है, और रिड्स में आपको 260 mAh मिल जाती है। दो घंटे रिड्स लेती है फुल चार्ज होने में, और 2.5 घंटे ड्राई प्लस लेती है, तो बहुत ज़्यादा ही है। बट ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है, 15 मिनट का चार्ज आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी लाइफ दे सकता है ऑन फिटनेस मोड्स ओनली, ठीक है। और उसी के साथ साथ 20 to 25 days का स्टैंड बाय टाइम भी है, 7 days का बैटरी लाइफ मिलता है यहाँ पे, क्लेम किया गया कंपनी की तरफ से। मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट भी है यहाँ पे। उसी के साथ साथ एक्चुअली यूज की बात में करता हूँ, सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके आपको एज अ फिटनेस वॉच यूजेस मिल जाएगा 5 days का, और कॉलिंग वॉलिंग पे आपको आराम से 1-2 दिन का चल जाएगी वॉचेस, ठीक है, दोनों ही वॉचेस। आपके यूजेस पैटर्न पे डिपेंड करता है, यहाँ पे मैं क्लेम नहीं कर सकता। मेन फीचर्स पे आते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, एसपीटू लेवल मॉनिटर का ऑप्शन भी है, बीपी मॉनिटर भी देखने को मिल जाता है, स्लीप ट्रैक कर सकते हो, और रिड्स में ये प्लस पॉइंट है कि आपको बीपी मॉनिटर मिल जाता है, ड्राई प्लस में बीपी मॉनिटर नहीं मिलेगा। और ब्रीथ रिलैक्स का मोड तो है ही है यहाँ पे, सेडेंटरी रिमाइंडर के साथ साथ फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है दोनों में। यहाँ पे आती है बिल्ड क्वालिटी की बात, तो बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। रिड्स में भी एल्युमिनियम पूरी की पूरी कोटिंग दी गई है, बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है। ड्राई में मेरे को लग रहा है कि मतलब हो सकता है कि मेटल का बिल्ड मिल सकता है, बट अगेन वेट को देखते हुए तो मेरे को पॉलीकार्बोनेट लग रहा है ड्रिफ्ट की तरह, क्योंकि ड्रिफ्ट मेरी पॉलीकार्बोनेट था। मैंने ड्रिफ्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर रखा है, अगर आपको जाके देखना है तो आप देख सकते हो। और 22mm स्ट्रैप साइज यूज़ किया गया वैसे दोनों में ही, सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है, तो स्किन फ्रेंडली मटेरियल का यूज़ भी किया गया है दोनों में ही। स्ट्रैप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और वॉच डायल एल्युमिनियम में बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है। अब आती है प्राइसिंग की बात, तो गैस यहाँ पे रिड्स का जो प्राइस अभी चल रहा है फ्लिपकार्ट पे 2500 रुपये की मिल रही है, तो गैस मैं 2500 में इसको रिकमेंड नहीं करता बिल्कुल भी। हाँ, ड्राई प्लस आप रिकमेंडेबल है, क्योंकि ड्राई प्लस में आपको गेम्स मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू रिड्स, ब्लूटूथ वर्जन भी बेटर मिल जाता है, और ओवरऑल डिस्प्ले का जो साइज़ है वो भी बड़ा मिलता है। तो अगेन गाइज, अगर आपके लार्ज टू मीडियम रिस्ट हैं तो आराम से यहाँ पे रिड्स चल जाएगी, और थिन रिस्ट पे भी चल जाएगी, और ड्राई प्लस भी आपकी लार्ज टू मीडियम रिस्ट पे चल जाएगी, बट थिन रिस्ट पे नहीं चल पाएगी। स्लीक मिल जाती हैं, स्लिम मिल जाती हैं, क्योंकि 11.4 और 11.8 mm के आपको थिकनेस की मिल जाती दोनों ही वॉचेस। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा वोट जाता है वैसे ड्राइव प्लस के लिए, बहुत जल्दी सेल पे जाएगी, मैं बेस्ट बैलिंग दे दूंगा, या नोटिफिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, वैसे लो प्राइसिंग आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो गाइज़ मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।